गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। तो हमने इससे पहले जो है वो पोयम करी थी द फोटोग्राफ। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब पोएटेस जो है वो अपनी मदर के बारे में एक्सप्लेन करती है कि मतलब उनकी मदर का जो चाइल्डहुड था वो कैसा था। तो इस चैप्टर में जो है हम ये पढ़ेंगे, एक जो पोएट है खुशवंत सिंह, वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर, उनका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा था और उनकी ग्रैंड मदर का नेचर, इन द सेंस शॉर्ट लाइफ स्पैन बता रही है वो अपने ग्रैंड मदर का, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है और हमें इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर पता चलता है जो कि है ग्रैंड मदर का। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट स्टार्ट विद आर चैप्टर। ओके, तो ये जो है बाय खुशवंत सिंह है, ये हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको द फोटोग्राफ पोएम चाहिए हो, जो इसके बाद वाली है, वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो ये जो है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं, ये जो पहला पैराग्राफ है ये पता होना चाहिए, उनकी पूरी करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कैसी दिखती थी और ये सब। तो वो बताते हैं इसमें, अगर आपको नोट मेकिंग चाहिए हो, जो आपका टॉपिक है वो भी मैं बता दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जो है ये बहुत ओल्ड लेडी है, ठीक है, जैसे हर ग्रैंड मदर होती है, रिंकल्ड है, ठीक है, और 20 सालों से वो रिंकल्ड ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो जो है वो जो पोएट है खुशवंत सिंह, उसको अपनी दादी ब्यूटीफुली दिखती है। ऐसा होता है हर इंसान को ना, अपनी दादी जो है वो अच्छी दिखेगी, जो अपने पेरेंट्स हैं वो सब हैं वो अच्छे दिखेंगे, और जो इनर ब्यूटी है बेसिकली वो जो है वो प्रिटी है उनकी। तो इसलिए जो है पोएट को वो जो अपनी दादी है वो बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखती है, ठीक है। तो और उसके बाद वो बताता है कि जो उनकी ग्रैंडफादर है, उनकी जो पोर्ट्रेट है, तस्वीर जो है वो मास्टरपीस जो है वो ड्राइंग रूम में टंगा हुआ है, उसमें वो देखते हैं कि उन्होंने एक पगड़ी पहनी हुई है, टर्बन और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं, ठीक है। और उनकी लॉन्ग दाढ़ी है, जैसे हम देख सकते हैं लॉन्ग, उस फोटो में वो देख रहे हैं लॉन्ग दाढ़ी है, वाइट उनकी बियर्ड है जो उनके पूरी चेस्ट तक आती है। ये शायद सिख की बात है, ये शायद सिख है, पंजाबी और सिख, तो इसमें उनकी जो दाढ़ी है ना वो उनकी चेस्ट तक आती है, और टर्बन पहनी हुई है, पगड़ी पहनी हुई है, ठीक है। और वो ऐसा लगता है जैसे 100 साल के हैं, मतलब वो भी बहुत एज हो चुकी थी जब उनकी डेथ हुई, ठीक है। और वो ऐसे पर्सन नहीं थे जिनके पास फैमिली हो या वाइफ हो, मतलब थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के, थोड़े अलग रहने वाले टाइप में से वो दिख रहे थे, ठीक है। अब उसके आगे उनका तो ऐसा लगता है देख के कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, और उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज़्यादा यंग है, और जो दिख रही है वो ज़्यादा यंग है और प्रिटी है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा उनको रिवोल्टिंग थॉट लग रहा है, उबालने वाला टाइप होता है ना वैसे, कि उन्होंने बताया था एक बारी कि वो जो है मैं गेम्स खेलते थे एज अ चाइल्ड, शी ऑफन टोल्ड अस अबाउट द गेम्स, जैसे जो वो उस टाइम पे अपने गेम्स खेलते थे, दैट सीम क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। वो जो है मतलब अनडिग्निफाइड होता है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टलेस है उनको वो गेम्स लगती थी, जैसे मतलब बचपना वाली गेम्स, जैसे वो तो अब थोड़े यंग हैं और थोड़े मतलब मॉडर्न है, लेकिन वो जो पुरानी गेम्स हैं उनको अनडिग्निफाइड लगती थी, बिना किसी मतलब ऐसे सी, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस, ठीक है। वो ऐसे ही समझते थे उनको कि ये मजाक कर रही हैं, ऐसे इतनी ओल्ड हैं, ये गेम्स भी कैसे खेल सकती हैं, मतलब ये दो कॉन्ट्रडिक्शन लगते थे, एक तरफ तो वो इतनी ओल्ड हैं और दूसरी तरफ वो कह रही है कि वो बहुत गेम्स खेलती थी, तो वो कैसे गेम्स खेल सकती हैं जब वो इतनी ओल्ड हैं। तो वो जो है हमेशा शॉर्ट, फैट और स्लाइटली बेंड, मतलब जैसे कमर झुक जाती है ना ओल्डीज की, तो वैसे उनकी कमर झुकी हुई थी, ठीक है, रिंकल्स से उनके फेस पे, और ऐसी मतलब ओल्ड सी जैसे और सारी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्होंने फिर बोला है, लेकिन फिर भी वो ब्यूटीफुल थी, क्योंकि वो एक इनर ब्यूटी थी, उनका जो नेचर है हम आगे पढ़ेंगे, उनका नेचर बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग नेचर वाली थी वो, ठीक है। और वो बाहर रहती थी, ठीक है, और उनको बैलेंस करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, अपना एक हाथ कमर पे रख कर वो अपने आप को बैलेंस करती थी, और एक हाथ से वो अपनी रोजरी होती है माला, उसके जो बीड्स होते हैं ना उसको जैसे एक एक करके हम आगे जाते हैं ना माला में, वो जपती रहती थी माला।
सिल्वर लॉक्स इन द सेंस उनकी सिल्वर हेयर्स थे, क्योंकि ओल्डीज के हेयर तो वाइट ही होते हैं ना, तो वो उनके हेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उनका पेल लुक था, येलोइश फेस होता है ना, पकड़ सा फेस था, और लिप्स जो है उनके पूरे टाइम मूव होते रहते थे, मतलब वो पूरे टाइम प्रेयर करती रहती थी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ब्यूटीफुल थी। और वो एक जैसे होता है ना, जैसे माउंटेन्स है उनमें जो विंटर का लैंडस्केप होता है ना पूरी तरह वाइट बर्फ, तो वो यही कहता है कि जो है उनको कंपेयर किया गया है माउंटेन से, जैसे बिकॉज जैसे माउंटेन जो होते हैं बिल्कुल वाइट होते हैं स्नो के टाइम पे, ऐसे उनके फेस पे एक वाइट सेरेनिटी थी, एक शांत थी वो, बहुत ज़्यादा शांत नेचर के जिन्हें कहते हैं ना वैसी थी, पीस थी उन पे, शांति थी उनके पास, और कंटेंटमेंट थी। कंटेंटमेंट इन द सेंस जब हम अपनी लाइफ से फुलफिल होते हैं ना, जब हमें कुछ और नहीं चाहिए होता, वो कंटेंटेड थी, उनको अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए था। और जो उनकी ग्रैंड मदर हैं और वो जो हैं वो बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। अब क्या हुआ कि इनके पेरेंट्स को यहाँ पे आना पड़ा, ठीक है, शहर में, तो वो क्या किया उन्होंने, अब नए जगह पे आने के लिए तो पूरा सेटअप करना पड़ता है, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को अपनी दादी के पास ही छोड़ दिया गाँव में, और वो अपना शहर आ गए सेटअप करने के लिए अपने आप को। तो जब वो क्या करते थे, जो दादी थी गांव में उसको जगाती, उसको स्कूल के लिए रेडी करती, और जब तक वो तैयार होता, अच्छे से ड्रेस करती उसे, सब उसका अच्छे से करती, और तब तक वो जो है ना वो अपनी जो प्रेयर है मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मतलब अनलिमिटेडली गाते रहना, रुकना नहीं, तो वो ऐसे गाती रहती थी। और उसकी साउंड जो है, जो पोएट था ना वो उनकी साउंड सुनता था, इसलिए नहीं कि उन्हें पोयम याद करनी थी, जो मतलब वो प्रेयर करती थी उसे वो आवाज़ अच्छी लगती थी। ऑब्वियसली हमें अपने बड़ों की आवाज़ की, उनकी ग्रैंड मदर की आवाज़ उसे वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब तो वो जो है उसकी ग्रैंड मदर वुडन स्लेट जो होता है ना स्लेटी, उसको वॉश करके देती और येलो चॉक देती, एक अर्दन पॉट दी, मतलब कुछ पॉट, मतलब क्या कहते हैं, जैसे कुछ हो गई इंक पॉट होता है उसके अंदर वो उसको देती, मिट्टी का बर्तन टाइप, और उसको रेड पेन देती, और ये सब एक साथ बांध के उसको दे देती, और ब्रेकफास्ट पे वो थिक एंड स्टेल चपाती, बेई रोटी होती है ना बासी चपाती, वो देती और थोड़ा सा मक्खन लगा देती, थोड़ी सी चीनी फैला दी, और उसको फिर स्कूल जा कर देती, और साथ ही साथ वो उसके स्कूल भी जाती और उस स्टील चपाती जो है विलेज के डॉग्स को देती। इससे पता चलता है बहुत केयरिंग थी, दूसरों के लिए सोचती थी वो, उनके अंदर ह्यूमैनिटी थी, कुत्तों के लिए भी वो अपनी रोटी लेके जाती थी। अब वो जो ग्रैंड मदर थी वो उसे स्कूल लेके जाती, और वहाँ पे ना साथ में अटैच टेम्पल था, और वहाँ पे वो अपनी प्रेयर करती। एक बार जो प्रीस्ट है वहाँ के, जो मंदिर के पंडित होते हैं, वो उन्हें अल्फाबेट सिखाते हैं, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते हैं बच्चों को, और सारे बच्चे जो हैं उधर बैठ बरांडा में, और अल्फाबेट्स और प्रेयर्स कोरस में, जैसे एक साथ होता है ना ग्रुप में, वो गाते रहते, कोरस इन द सेंस ग्रुप। और जो ग्रैंड मदर थी वहाँ बैठी रहती और अपना स्क्रिप्चर्स को पढ़ती रहती, जो वहाँ पे ग्रंथ होती थी ना उनको, और जब वो दोनों फिनिश हो जाते थे, जब उनका काम फिनिश, तो वो वापस आते थे विलेज, लोग उन्हें फिर से मिलते थे और उनको घर तक छोड़ के आते थे, ठीक है। और वो जो है फाइट करते रहते थे कि मैं रोटी खाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा, जो डॉग्स थे उधर। अब जब पेरेंट जो है सेटल हो गए, तो वो अपने साथ दादा को भी, दादी को भी ले गए और बच्चे को भी ले गए, और ये जो था उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था। पहले उनकी रिलेशनशिप इतनी क्लोज थी, वो एक साथ रहते थे हमेशा, उनकी रिलेशनशिप में टर्न कब आया, टर्न तब आया जब उनकी ग्रैंड मदर का रूम अलग हो गया और पोएट का रूम अलग हो गया, खुशवंत सिंह का रूम अलग हो गया। तो अब जो है वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लग गए, मोटर बस में जाने लग गए, तो अब दादी तो छोड़ने जाएगी नहीं, अब कोई भी डॉग स्ट्रीट पे नहीं होते, सब कुछ बदल गया। और वो जो स्पैरो को फीड करते थे, तो फिर, और अब जो है वो दादी तो जा नहीं सकती छोड़ने, क्योंकि वो तो मोटर बस में जाते जैसे हम जाते यूजली, तो दादी क्या है जो स्पैरोज होती है ना कोर्टयार्ड में, उनको फीड करने लग गई, ठीक है। और एज द ईयर्स रोल्ड उन्होंने एक दूसरे को देखना कम कर दिया, उनकी रिलेशनशिप जो है ना वो बदलती गई, थोड़ा बिछड़ापन आ गया उनमें, क्योंकि शहर में सबकी लाइफ अलग अलग हो जाती है, ठीक है। अब जो है वो ये ऐसा तो है, लेकिन जैसे उनको छोड़ दिया मतलब उनका रूम अलग हो गया, लेकिन अभी भी वो जो है उसे वेक करती, उसको सुबह जगाती, रेडी करती, सब उसके लिए करती, लेकिन और वो अब पढ़ा नहीं पाती थी उन्हें। अब उन्हें पढ़ा क्यों नहीं पाती थी, इसका रीज़न हम आगे देखेंगे। अब क्या होता था जब पोएट घर पे आता था ना, प्रिंसिपल पढ़ा क्या पढ़ा, तो फिर
जो है वो उसे अपनी दादी को बताता, ठीक है। तो दादी क्या करती, वो सुन लेती, लेकिन वो खुश नहीं थी। खुश क्यों नहीं थी? क्योंकि ये सब चीज़ें वो अपने पोते को नहीं बढ़ा सकती। जो वो गांव में पढ़ते थे ना, वो उसको दादी बताती थी, लेकिन ये सब तो उसे उन्हें आता ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने तो ये सब पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए वो ये सब नहीं बढ़ा पाती थी, उन्हें पढ़ा पाती थी। वो सिर्फ गॉड्स और स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ के बारे में ही जानती थी। तो अब वो सब तो उसके लिए टाइम ही नहीं है उस खुशवंत सिंह के पास। उनका तो स्कूल ही इतना मॉडर्न हो गया, इंग्लिश स्कूल हो गया, कॉन्वेंट स्कूल हो गया। तो ये ऐसे उनमें गैप्स आने लग गए, ठीक है। वो जो है बहुत डिस्टर्ब थी दादी, क्योंकि सब अलग अलग हो गए ना। तो यहाँ पे जो है बेगर्स भी नहीं जाते, हैंडलॉट्स भी नहीं जाते। तो ये जो है ना साइलेंस उसे उन्हें खाने लग गया। वो डिसअप्रूवल था उनके लिए, मतलब वो नकारती थी इस चीज़ को, नहीं चाहती थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि वो बहुत बहुत कम बोलती थी और अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट करना जानती थी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना आर्ग्यू करते हैं और ये सब, वो नहीं, वो ऐसी नहीं थी। यही उनका स्ट्रॉन्ग नेचर दिखाता है, उनके पॉइंट्स है नेचर के। एक तो वो ह्यूमैनिटी थी, सब डॉग्स को फीड करती थी। दूसरा वो साइलेंट थी, मतलब वो किसी चीज़ के बारे में डिसअप्रूवल को शो नहीं कर पाती थी कि अगर मैं इस चीज़ को नहीं मानती। फिर जो है जब वो पोएट यूनिवर्सिटी में चले गए तो उनको अलग से अपना रूम मिल गया। पहले जो था उनका रूम सेम था, अब उनको रूम भी अलग मिल गया। तो लिंक जो है ना फ्रेंडशिप का, वो स्नैप्ड हो गया, छीन लिया गया, ठीक है। और उनकी ग्रैंड मदर से एक तरह का रेजिग्नेशन हो गया, मतलब वो उनकी रिलेशनशिप और कम हो गई और ज़्यादा दूर हो गए वो एक दूसरे से। तो अब वो जो है स्पिनिंग व्हील जो है वो अपना घुमाती रहती, ठीक है, जैसे मतलब जो वो रोजरी घुमाती थी। और वो सनराइज टू सनसेट सिर्फ अपना व्हील घुमाती रहती और अपनी प्रेयर जो है वो करती रहती। और अगर उनको रिलैक्स होना होता था आफ्टरनून में, जब वो रिलैक्स होती थी तो वो स्पैरोस को फीड कर देती। वरांडा में वो अपनी बैठी रहती, अपनी ब्रीड्स घुमाती रहती। और एक अ वेरी राउंडिंग हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग। ये क्यों बोला गया है? क्योंकि जो उनकी दादी थी ना, वो स्पैरोस को फीड करती थी। तो जब भी वो वरांडा में बैठी होती थी ना, तो सारी बर्ड्स आ जाती थी, उन सब चर्पिंग, और वो चर्प करने लग जाती थी, चहचहाने लग जाती थी, क्योंकि वो भी उससे खुश रहती, वो खाना देती है, प्यार करती हैं बर्ड्स को, ठीक है। ऐसे ही उनका रिलेशनशिप चलता था। कोई उनके लैप पे बैठता, गोदी में बैठता, कोई उनके शोल्डर पे बैठ जाती स्पैरो, ठीक है, और कोई कोई तो उनके सर पे भी बैठ जाती। तो यही सब वो जो है हाफ एन आवर ऐसा डे में आता ही था कि जब वो ये सब करती, चर्प करती बर्ड्स जब आती, और जब वो रोजरी को घुमाती वरांडा में, फीड करती बर्ड्स को, तो ये टाइम जो होता था दादी के, उसका हैप्पीएस्ट टाइम होता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब जब वो जो है, अब ऑथर जो है वो अब्रॉड स्टडी के लिए चले गए, तो उसे पता नहीं था कि ग्रैंड मदर अपसेट है या नहीं है। तो वो जो है 5 साल तक दूर रहने वाला था, ठीक है, अपनी स्टडीज पर्पस के लिए। और वो कभी उनकी एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी एज में कोई बता भी नहीं सकता था कि वो चाहती क्या है, ठीक है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो सेंटिमेंटल भी नहीं थी, जैसे रोना होना होता है, अपनी रोकना होता है। वो आई, उसे छोड़ने आई रेलवे स्टेशन पे, लेकिन कुछ नहीं कहा, ना कोई इमोशन दिखाया, ना वो रोई, क्योंकि वो उसे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, मतलब वो उसके खिलाफ आर्ग्यू नहीं करती, डिसरिस्पेक्ट शो नहीं करती, ठीक है। और वो जो है उनकी लिप्स जो है ना कंटिन्यूसली प्रेयर करते रहते हैं, वो अपनी कभी प्रेयर नहीं छोड़ती, ठीक है। उनके जो फिंगर्स हैं वो बीड रोजरी माला के बीड्स को घुमाती रहती और वो अपनी प्रेयर करती रहती। उन्होंने चुपचाप अपने बेटे के उसको फोरहेड को किस किया, ठीक है, पोते के, और उनको सारे इम्प्रिंट जो है, उनको जो पुराने उनके कांटेक्ट थे, फिजिकल कांटेक्ट, उनको वो सब एकदम छाप दिया, मतलब वो जो सारे मोमेंट्स थे उनको वापस जिया उन्होंने, ठीक है। अब जब वो 5 साल बाद आए, मतलब एक ना पोएट को डाउट था कि अब मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ग्रैंड मदर मिले भी ना मिले, क्योंकि बहुत ओल्ड है, डेथ ना हो जाए उनकी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जब वो वापस आए तो कुछ और ही हुआ, चलो देखते हैं। जब वो वापस आए तो उन्होंने स्टेशन पे ही वो उन्हें लेने आ गई। वो इतनी एक्साइटेड थी, बट वो एक्साइटमेंट अपने कोई इमोशन शो नहीं करती थी। और वो उनको स्टेशन पे लेने आई अपने पोते को, और एक दिन भी वो बड़ी नहीं हुई थी, मतलब जैसे वो उनको छोड़ के गए थे उनके पोते, वो वैसी की वैसी ही थी। और आके उन्होंने गले मिला और अपनी प्रेयर वो फिर भी गा रही थी, उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं छोड़ी। जैसे कि वो फर्स्ट डे थी वैसे ही वो लास्ट डे थी,
हर हैप्पीनेस मोमेंट्स, उनके सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट वही होते थे जब वो स्पैरो को फीड करती थी, और फ्रिवलस रिबोक्स होते थे, मतलब रिब्यूक्स होते थे जब वो जो है स्पैरो चहचहाती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केवर ओवर हर। अब एक दिन ऐसा आया कि उनने उनको चेंज दिखा पोएट को। अब चेंज क्या दिखा? चेंज उन्हें ये दिखा कि एक इवनिंग की बात है, उन्होंने प्रेयर नहीं करी। ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि उन्होंने प्रेयर क्यों नहीं करी, क्योंकि वो अपनी प्रेयर जो है वो कभी नहीं छोड़ती। तो उन्होंने क्या किया, उनकी दादी ने औरतों को इकट्ठा किया, पूरी मंडली जमाई, अपने ड्रम लेके बैठ गई और अपना गाने लग गई। बहुत घंटों तक वो ऐसे ही गाती रही, और द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलिफिटेटेड ड्रम, जो डायलिफिटेटेड होता है ना, मतलब फटा हुआ ड्रम, ऐसा मतलब कहते हैं, जैसे इंडियन भाषा में फटा हुआ ड्रम किसे कहते हैं, मतलब जो बहुत बुरा गाता है। तो वो ऐसे ही ना अपने वो ड्रम को थपथपाती रही और उसको बजाती रही, और होम कमिंग वॉरियर्स, और वो जो होम कमिंग वॉरियर्स है ये गाना गाती रही। ठीक है, अब हमने उन्हें कहा कि भाई रुक जाओ, आप थक जाओगे। तो पहली बार ऐसा था कि उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं करी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कब हुआ कि उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं करी। नेक्स्ट डे जो था वो बहुत इल थी, उन्हें बहुत माइल्ड फीवर था। ठीक है, लेकिन डॉक्टर को हमने बुलाया, क्योंकि ओल्ड है ना, ओल्ड का कुछ पता नहीं होता कि कितनी बीमारी कब बड़ी हो जाए। तो जब उनकी ग्रैंड मदर कुछ डिफरेंट थी उस दिन, तो सब उन्होंने बता दिया कि ये उनका एंड है। दादी जैसे हमें कहते हैं कि जैसे एक कहानी भी है, यमराज अगर मतलब किसी की डेथ पास होती है तो उसे कुछ दिन पहले दिखने लग जाता है कि उसकी डेथ आ गई है। तो वो जो दादी थी ना, वो यही बोलती थी कि मेरा अंत आ गया है। ठीक है, और कुछ घंटों बाद उनकी डेथ हो गई, बट उन्होंने अपनी प्रेयर ज़रूर करी, वो अपनी प्रेयर नहीं छोड़ती थी। बस एक बार उन्होंने अपनी प्रेयर छोड़ी थी, जब उन्होंने मंडली को इकट्ठा किया था औरतों की। वो अपना कोई टाइम किसी के साथ बात करने में वेस्ट नहीं करती थी। हमने प्रोटेस्ट किया कि मत गाओ भाई, आपकी तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। अपना वो पीसफुली बेड में लेटी रही और अपनी मालाएं जो हैं वो घुमाती रही और जपती रही अपनी प्रेयर। तो अब उनके जो लिप्स है ना, वो मूव कर रहे थे रोजरी में, वो फिंगर से जप रही है। अब उनके फेस पे एक पीसफुल पैलोर दिखा, मतलब उनका फेस अब एक शांति, अलग तरीके की एक निर्मम शांति दिखी। एंड हमें पता चल गया कि वो डेथ है। इंसान की शांति तभी दिखती है, बेस्ट जो होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पीस तभी दिखती है जब उसकी डेथ होती है। ठीक है, हमने उनको बेड से उठाया और कस्टम के हिसाब से ग्राउंड पर लिटा दिया और रेड श्राउड से कवर कर दिया। ठीक है, कुछ घंटों बाद उनकी जो अंतिम संस्कार होता है उसका अरेंजमेंट हो गया, और इवनिंग में हम उनके रूम में गए, स्ट्रेचर में उनको लिटा के सेरिमेटेड क्रिमेटेड, हमने जो उनकी क्रिमेटेड इन द सेंस जो उनकी पूरी वो देहांत होता है, वो जो पूरी रस्म होती है, कल्चर होता है, रिचुअल्स होते हैं, वो सब उन्होंने फॉलो करे। सन जो है अब सेट होने वाला था, सनसेट होने वाला था, और उनका जो रूम है हमने लाइट से खोला, मतलब उनके रूम में जब सनसेट होता है ना तो एक गोल्डन लाइट आती है, तो उनका रूम जो है वो गोल्डन लाइट से भर गया। ठीक है, हम हाफ वे ऑफ कोर्टयार्ड, मतलब अंदर से वरांडा टाइप, उसमें हम रुके, और पूरे वरांडा में उनको वो देख उस जगह को वो देखने लग गए जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, और उनको रेड श्राउड में रैप किया और थाउजेंड, और मतलब ये उनकी क्या है, ये उनकी ना वो दिखा रहे हैं जो मतलब लास्ट रिचुअल होता है ना, सेरेमनी जो होती है, ये पूरे में उनकी सेरेमनी है। ठीक है, सन जो है सेट हो रहा था, गोल्डन लाइट थी। ठीक है, ये आप इमेजिन करो, कोर्टयार्ड में खड़े हैं वो, उनको रेड कपड़े में वो बांध के लाए, और स्पैरो जो हैं वो सारी खट्टी हो गई, क्योंकि आपको पता है इवनिंग में बताया था ना कि आधा घंटा उनका फेवरेट होता था पूरे दिन में, जब वो बर्ड्स को फीड करती थी, चर्प करती थी बर्ड्स, तो तब जो है सारी स्पैरोज खट्टी हो गई। लेकिन इस बार डिफरेंस क्या था, वो बर्ड्स जो हैं वो चर्पिंग कर ही नहीं रही थी। हमें बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लगा, एंड माय मदर फेज सम ब्रेड फॉर देम। वो हमें मतलब बर्ड्स जो हैं बिल्कुल चर्प नहीं कर रही थी, चहचहा नहीं रही थी, तो उनको बुरा लगा, और उनकी मदर ने जो है, जो पोएट की मदर थी, उन्होंने उनको कुछ ब्रेड दे दी बर्ड्स को, लेकिन उन्होंने और उनको छोटे टुकड़ों में बांटा और जैसे ग्रैंड मदर करती थी, और उनके आसपास फेंका कि वो खा लें, लेकिन उन्होंने उनको नोटिस भी नहीं किया ब्रेड को, ना उनको खाया। जब हमने कॉर्प्स होता है, डेड बॉडी जो होती है ना, उसको कॉर्प्स कहते हैं, तो जब उनकी मदर, जब उनके ग्रैंड मदर की बॉडी को कैरी,
जब उनकी ग्रैंड मदर की बॉडी को कैरी कर रहे थे ना, तो वो जो है सारी बर्ड्स उड़ गई, और वो जो है नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो ब्रेड क्रम्स है, क्योंकि बर्ड्स ने तो खाए नहीं, वो दुखी थी, तो वो डस्टबिन में फेंके गए। ठीक है, तो ऐसे हमारा चैप्टर एंड।